गुड़ वाले चावल बनाना मुसीबत का काम लगता है, क्योंकि गुड़ वाले चावल ज़्यादातर चिपके चिपके बन जाते हैं। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपके भी गुड़ वाले चावल बिल्कुल चिपके चिपके नहीं बनेंगे, एक एक दाना खिला खिला बनेगा। तो मेरी एक ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो बनेंगे आपके चावल भी बिल्कुल खिले खिले। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, घी में इसे बना रहे हैं, आप चाहे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो 2 चम्मच हम घी डाल देंगे, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के आसपास घी होगा। तो इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, गर्म होने देते हैं घी को। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं हम सौंफ और इलायची, हरी वाली छोटी इलायची डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चावल के अंदर, मीठे चावल कोई भी बनाए इसमें सौंफ और इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सौंफ डाल दी है और 2 इलायची को मैंने ऐसे तोड़ कर डाल दिया है, पीस कर नहीं डाला मैंने, इसे तोड़ कर डाल दिया है। आपके पास अगर पाउडर हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हल्का सा इसे थोड़ा सा खुशबू आने देते हैं, थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। तो इलायची और सौंफ है हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले जा सकते हैं। मैंने इसमें नारियल, बादाम, काजू और किशमिश डाला है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, या इसे बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बनाया जा सकता है, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता। बस ड्राई फ्रूट डालने से टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है, थोड़े से चंक्स आते हैं ड्राई फ्रूट के तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसे भी हल्का सा भून लेते हैं 1 मिनट के लिए, ड्राई फ्रूट बहुत ही जल्दी भून जाते हैं। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और साथ साथ में चलाते रहेंगे ताकि कोई भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो जले नहीं। जलने के बाद ड्राई फ्रूट का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, तो इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पर पानी डाल देंगे हम, अभी इसमें हमने कोई मीठा नहीं डाला है, तो जितने चावल लिए हैं उसका 2 गुना हम पानी इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 गिलास चावल बनाए हैं तो इसमें पानी डालेंगे हम 2 गिलास, पूरा नाप का डालेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपके चावल बनेंगे, ना आपके चावल चिपके बनेंगे ना ही ज़्यादा सूखे सूखे बनेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से इसे उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। पानी बिल्कुल जिस कप से या जिस कटोरी से आप मेजर करेंगे उसी से ही आपको पानी भी मेजर करना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बस इसे हम ढककर उबाल आने देते हैं, जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे। और चावल भी हमने बिल्कुल भी भिगोए नहीं हैं, बिल्कुल बिना भिगोए ही हम चावल को यूज़ करेंगे, बस ऐसे ही वॉश करके हमने चावल इसमें ऐड करने हैं। भिगोने की भी इस रेसिपी में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जब भी मन चाहे इस रेसिपी को आप बना सकते हैं, कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मन करे बस 10 मिनट में चावल बनकर तैयार हो जाते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की पहले से ज़रूरत नहीं है। तो बस चावल को इसमें अच्छे से ऐड कर देते हैं और इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक चावल 80% कुक ना हो जाएं। 100% हमें इस स्टेज पर कुक नहीं करने हैं, 80% कुक कर हम इसे छोड़ देंगे। तो इसे ढक देते हैं, 4 से 5 मिनट के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे। तो देखिए पानी अच्छे से सूख चुका है, हल्का हल्का सा इसमें पानी है, बिल्कुल पानी नहीं सूखा है। और देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं चावल, जितने हमें चाहिए थे उतने ही कुक हो चुके हैं। एक आधा दाना आप तोड़ कर देख लें, तो थोड़ा सा इसमें थोड़े सा टाइट होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। मैंने एक दो दानों को तोड़ कर देख लिया है, बिल्कुल अच्छे से ये मैश नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब चावल बिल्कुल परफेक्ट हमारे कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं गुड़, आप कोई भी क्वालिटी का ले सकते हैं, किसी भी तरीके का लाइट गुड़, डार्क गुड़, कैसा भी हो उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें हम डाल देते हैं, इसे मैंने थोड़ा छोटा छोटा सा तोड़ लिया है तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा चावल के अंदर जाते ही। तो अगर आप पूरा साबुत डालें तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और इसे छोटा छोटा तोड़ के डालें या पीस कर भी आप डाल सकते हैं। जितने चावल लिए हैं ऑलमोस्ट उतना ही मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, 1 गिलास चावल लिए थे उसके हिसाब से ही मैंने इसमें गुड़ ऐड कर दिया है। आप एक बार टेस्ट कर भी इसकी क्वान्टिटी घटा या बढ़ा सकते हैं, आप इसे थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा गुड़ का ज़्यादा ही अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा गुड़ की क्वांटिटी ही इसमें अच्छी लगती है। तो मैंने इसे ढक कर रख दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। गुड़ देखिए बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है, चावल का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, तो देखिए वाइट से बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं हमारे चावल। तो बिल्कुल अच्छे से गुड़ मेल्ट हो गया, एक बार इसे हिला देते हैं, ऊपर से नीचे कर देते हैं
और चावल हमारे बिल्कुल एक एक दाना खिला खिला बनेगा और बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं ऐसे। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई भी इसमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सर्दियों में तो वैसे भी गुड़ अच्छा लगता है खाना भी और अच्छा होता भी है, इसमें आयरन बहुत होता है, तो आप इसे ज़रूर बनाना, आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बस चावल हमारे ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, मीठा भी अच्छा से गुड़ में चावल के अंदर घुल चुका है। तो इसे हम गैस बंद करके 4 से 5 मिनट बिल्कुल हल्के से दम पर छोड़ देते हैं, बिल्कुल स्टीम में ही इसे पकने देंगे, गैस ऑन नहीं करेंगे। तो 4-5 मिनट के बाद एक बार ही खोल कर चेक कर देंगे, बिल्कुल परफेक्ट हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल कोई भी दाना कच्चा नहीं है, मीठा भी एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे, क्योंकि गर्म गर्म चावल का तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, ठंडे होने के बाद उतने अच्छे नहीं लगते, दोबारा से गर्म करके खाए जा सकते हैं, लेकिन हम इसे सर्व करते हैं बिल्कुल गर्म गर्म। तो इस सर्दियों में आप इस गुड़ के चावल की रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और मेहनत कम है तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ठंड में ज़्यादा देर किचन में खड़े होकर खाना बनाने का मन नहीं करता। तो जल्दी से इस रेसिपी गुड़ के चावल कैसे बने हैं मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।